आज हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। सरकार भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा हो जिससे बच्चों का लाभ हो और वह बच्चा पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में सफल हो। जैसा कि पिछले एक वर्ष से कोरोना काल होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, वैज्ञानिक कंप्यूटर बनाकर, टेलीविज़न बनाकर यह सुविधा हमें प्रदान की है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अंग्रेज़ी में कुशल हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक उचित है? बच्चे अंग्रेज़ी सीखकर उसी अनुरूप में रहते हैं, अपने जीवन को उसी अनुरूप में ढालते हैं। अंग्रेज़ी सीखना और बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपने आप को उसी अनुरूप में ढालते हैं तो हम अपने परिवार को, समाज को भूल जाते हैं। शिक्षा प्राप्त कर जीविका उपार्जन करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसमें संस्कार नहीं दिया जाएगा तब तक वह अपने आप को सही दिशा में नहीं ले जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें मूल्यपरक शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसा कि अभिभावक कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ाया, बड़े बड़े महाविद्यालय में पढ़ाया, लेकिन वो बच्चे आज हमसे दूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षा तो वह प्राप्त कर लिया, लेकिन संस्कार वह नहीं प्राप्त कर पाया। आज आवश्यकता है कि बड़े बड़े विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें संस्कार मिलना चाहिए। लेकिन आज इस दौर में यह भूल जाते हैं कि किस प्रकार उन्हें अच्छा सा संस्कार दिया जाए, जो कमी रह जाती है। और इस तरह से आज के युवा परिवार से और समाज से अलग हो जाते हैं। और जब तक उन्हें मूल्यपरक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वह बच्चा इस कर्तव्य से दूर हो जाएगा। आज सिर्फ अभिभावक को ही दोष देना उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का बदलाव हो
और उसमें मूल्यपरक शिक्षा जोड़ा जाए। देखा जाता है कि जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनमें संस्कार भरा हुआ होता है, जिससे वो व्यक्ति परिवार में और समाज में अपने आप को इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वह व्यक्ति शिक्षित है या अशिक्षित। इसलिए हम सभी लोगों को इस संदर्भ में सोचना होगा और मूल्यपरक शिक्षा देना होगा, तभी परिवार का और समाज का कल्याण हो सकता है। और जब परिवार और समाज का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा और वह युवा अपने आप को सही ढंग से ढाल पाएगा। यही मूल्यपरक शिक्षा है। मूल्यपरक शिक्षा कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा में संस्कार निहित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।